भी उनका बयान आया है उसके लिए कानून अपना काम कर रही है, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि क्या किसी के एक अपराध के लिए चार चार सजाएं दी जा सकती हैं क्या? कि उनको पद से भी हटा दिया गया, उनको उनके ऊपर FIR कर दी गई, कई सारी धाराएं लगा दी गई और फिर पार्टी से भी निकाल दिया गया, उन्होंने माफी तक मांगा, और इतना सब कुछ करने के बाद भी मायावती जी को संतुष्टि नहीं है, उनका बस चले तो वो उनका सर कटवा के मंगवा लें। कि वो आज भी उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो मेरे कलेजे को ठंडक पड़ती, वैसा होता तो अच्छा लगता। और उनकी पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं, BSP वाले क्या कर रहे हैं कि मतलब वो सरेआम हजारों लोग बीच चौराहे पे खड़े होकर के ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अपनी बेटी को पेश करो, अपनी बीवी को पेश करो, बहन को पेश करो। सबसे बड़ी बात है वो वहां पर ये चीजें बोल रहे हैं, अम्बेडकर जी की मूर्ति के सामने बोल रहे हैं, वहां नीचे खड़े होकर के ये लोग बोल रहे हैं जिन्होंने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, जिन्होंने महिलाओं के लिए लड़ते रहे। आज जो पूरे बसपा वाले बोल रहे हैं क्या वो निंदनीय नहीं है कि मेरी छोटी सी बेटी है 12 साल की, उसके लिए वो लोग इस तरह के अपशब्द यूज कर रहे हैं, अब्यूज कर रहे हैं, सरेआम बोल रहे हैं, तो क्या इस वजह से क्या मायावती जी को अपने पार्टी से लोगों को नहीं हटाना चाहिए या निष्कासित नहीं करना चाहिए? या कल जैसे मायावती जी ने संसद में ही बोला कि ये चीजें उसकी बेटी के लिए है, उसके बहन के लिए है, माँ के लिए है, तो वो भी पार्टी से निकल जाए, वो भी छोड़ दें, वो फिर क्यों पार्टी में? जो चीजें मेरे पति पे जो चीजें लागू होती हैं तो वो और लोगों पे भी तो लागू होती हैं, उन पे भी तो लागू होती हैं। मेरी बेटी एक्चुअली वो न्यूज सुनते रही, अब थोड़ी इतनी समझदार हो गई है कि ये चीजें वो समझती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो इतने ज्यादा ट्रॉमा में है, सुबह एक तो वो स्कूल जाने को तैयार नहीं थी। वो लोग खुलेआम कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि वो वीकर सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या ये मतलब ये तो इश्यूज बनाई जा रही हैं बसपा के जितने लोगों ने, इनफैक्ट बसपा के वो सारे लोगों पे होना चाहिए, उन पे भी FIR होना चाहिए कि अगर किसी एक पर्टिकुलर आदमी के लिए, किसी एक के लिए मेरे हस्बैंड ने बोल दिया, इतना इश्यू हो गया, एक आदमी ने बोला मायावती जी के लिए तो इतना बड़ा इश्यू हो गया, हजारों लोग बोल रहे हैं, सबके सामने बोल रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, तो उसमें क्या FIR नहीं होना चाहिए?